पति को पत्नी के अलावा उसके कुत्तों का भी मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक की बात नहीं, बिल्कुल सच है। मामला कुछ ऐसा है कि मुंबई की एक अदालत में एक 55 साल की महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत केस फाइल किया और 70,000 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता के लिए मांग किया। उनका कहना था कि वो बीमार रहती हैं और उनके अलावा उनके पास 3 पालतू कुत्ते हैं जिसके भी पालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लिहाजा उनको ये मेंटेनेंस दिलाया जाए। पति ने अपने जवाब में कहा कि पत्नी खुद घर छोड़ के गई हुई है और पति ने उसके ऊपर कोई भी घरेलू हिंसा नहीं किया हुआ है और साथ ही साथ पति का बिजनेस में घाटा लगा हुआ है जिस कारण से वह इस तरीके से मेंटेनेंस पे नहीं कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने प्रथम दृष्टया ये पाया कि पति ने ऐसे कोई सबूत नहीं पेश किए हुए हैं जिससे ये पता चले कि उसका बिजनेस में कोई घाटा लगा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने पाया कि पति ने पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा किया हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने अपने आदेश में कहा कि पालतू जानवर भी एक सभ्य जीवन शैली का अभिन्न अंग है और मनुष्य के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है। तलाक से टूटे रिश्ते के कारण होने वाली किसी भी भावनात्मक कमी को कुत्ते पूरा करते हैं, लिहाजा पति के ऊपर ये आदेश दिया जाता है कि अपनी पत्नी और उसके पालतू कुत्तों के लिए 50,000 हर महीने गुजारा भत्ता दिया जाए। अब अच्छी बात यह है कि सोसाइटी में हाथी पालने का कोई नियम नहीं है, अदरवाइज उन भाई साहब की तो सारे के सारे पैसे हाथी पालने और कुत्ते पालने में चले जाते हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि ये आदेश कहाँ तक सही है, कहाँ तक।